हेलो व्यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कील मुहासे किस तरह से हो जाते हैं और इनके क्या कारण हैं और इसके बचने के उपाय क्या हैं। तो ये मेरी एक फेसबुक व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैम कील मुहासे हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें कील मुहासे क्यों हो जाते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें जो कील मुहासे की जो समस्या हो जाती है वो उसके कई कारण होते हैं। कई ऐसे फेजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें कील मुहासे हो जाना, हमारी स्किन का ज़्यादा खिंचना या ज़्यादा ड्राई हो जाना या ज़्यादा ऑयली हो जाना, इन सारी चीज़ों की वजह से भी हमें कील मुहासे की समस्या हो जाती है। कुछ ऐसे कारण मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्यों हो जाते हैं ये भी आपको मैं अभी बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण है कि अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है और आप बिजी शेड्यूल के चलते किसी भी तरह से आप अपने ऊपर या अपनी स्किन पर या अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ध्यान न दे पाने की वजह से आपको क्या हो जाता है कि आपको ऐसी समस्याएं होने लगती हैं क्योंकि आप अपनी स्किन की केयर पर या अपनी बॉडी की केयर पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपको इस तरह की समस्या हो जाएंगी। दूसरी बात है कि आपका खान पान कैसा, आप किस तरह का फूड प्रेफर करते हैं, आप हेल्दी फूड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप अगर बाहर गए हुए हैं और आप बाहर निकले हैं, अगर आपने अपने आप को कवर नहीं किया है या कोई स्किन केयर नहीं यूज़ किया है या कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं यूज़ किया है जो आपको इन सारी समस्याओं से क्या हो सके, आपको बचा सके। चौथा कारण ये है कि अगर आप बाहर गए हैं और आप जल्दी बाहर निकल गए हैं अपने काम पर और घर से कुछ भी आपने इनटेक नहीं किया है, फूड नहीं लिया है और आपको बाहर भूख लग रही है, तो आप किस तरह का फूड बाहर खा रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, जंक फूड खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको इस तरह की समस्या हो जाती है। पांचवा कारण ये हो सकता है आपका कि अगर आपको कील मुहासे की समस्या हो रही है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका स्किन का टाइप क्या है और आपको इतनी समस्या पिंपल्स की हो रही है, मुहासों की समस्या हो रही है, तो किस वजह से हो रही है ये वजह भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है और किस वजह से आपको ये समस्या हो रही है। छठा कारण ये है कि जब आपके बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है किसी वजह से, इसका कोई भी कारण हो सकता है, ये मैं आपको आगे उपाय में बताऊंगी, तो जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से जो आपका बॉडी जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी हाँ, बॉडी पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से आपके बॉडी में इस तरह की समस्या या आपके फेस पर ज़्यादा पिंपल्स का हो जाना, ज़्यादा रेड रैशेस का हो जाना या ज़्यादा ऑयल की वजह से हो जाना, ये सब समस्याएँ आने लगती हैं क्योंकि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है। तो ये थे कुछ कारण ऐसे जिसकी वजह से आपको पिंपल्स की समस्या, मुहासों की समस्या होने लग जाती है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक उपाय बता देती हूँ, बेसिक प्रिकॉशन बता देती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको प्रोडक्ट भी बताऊंगी मार्केट बेस्ड कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। अगर आपके प्रिकॉशन में पहला प्रिकॉशन ये है कि अगर आपका जो बिजी शेड्यूल है उसमें से आप टाइम निकालिए अपनी स्किन केयर करने के लिए। अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ऐसी समस्या हो जाएंगी क्योंकि आपका शेड्यूल बिजी है। आप सुबह उठे, आपने नहाया धोया, उसके बाद आप अपने काम पे निकल गए, वापस आए, वापस आने के बाद आप अपने आप को जो है नाइट के लिए प्रिपेयर भी नहीं किया और आप ऐसे ही चले गए हैं सोने, तो इस तरह की समस्या से भी आपको मुहासे हो सकते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखें, और आपका बिजी शेड्यूल हो जाने की वजह से आप रात में ऐसे ही अगर सो गए हैं तो ऐसा मत करिए। जब आप घर से बाहर निकले हैं काम से, जब आप वापस आए हैं, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ऑलरेडी आप तैयार होकर निकलते हैं, आप अपनी स्किन की केयर करके निकलते हैं, तो जब आप वापस आ रहे हैं और वापस आने के बाद आप अपने आप को अपने ड्रेसअप को चेंज करिए, उसके बाद आप मुंह हाथ धुलिए और मुंह हाथ धोने के बाद आप अपना काम पे लग जाते हैं, आप अपने ऑफिस के काम पे लग जाते हैं, आप अपने घर के काम पे लग जाते हैं। लेकिन जब आप सोने जा रहे होते हैं तो ध्यान रखिए आप अपनी स्किन की केयर करने के बाद सोइए, ठीक है।
आप ऐसा करिए कि आप रात में फेस को वॉश कर लीजिए, उसे अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद सोइए, अपनी स्किन को प्रिपेयर करके सोइए, तो आपको ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं। भोजन लेने का मतलब है कि आप कौन सी डाइट ले रहे हैं और किस पैटर्न में ले रहे हैं। जो भी डाइट लीजिए वो हेल्दी होनी चाहिए, साथ ही साथ हेल्दी होने के साथ साथ आप टाइमली लीजिए। टाइमली लेने का मतलब है कि आप टाइम से खाना खाइए, आपको सुबह कैसे लेना है, दोपहर में कैसे लेना है, ठीक है, रात में किस तरह से लेना है, तो इस बात का भी खास ख्याल रखिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बाहर गए और आपने किसी भी तरह का जंक फूड प्रेफर कर लिया है और आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो कोशिश कीजिए उसे कम मात्रा में लीजिए। और साथ ही साथ, क्योंकि जंक फूड में किसी भी तरह के न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके अंदर के और न्यूट्रिशन को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, और आपकी स्किन में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पांचवा पॉइंट आपका ये है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका स्किन का टाइप क्या है, तो सबसे पहले आप अपने स्किन के टाइप को पता कीजिए कि आपका स्किन का टाइप क्या है और किस वजह से यह प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजर हैवी टोनर्स का इस्तेमाल करिए, हैवी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप में है तो आप मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयल आपके चेहरे पर ज़्यादा अगर सिक्रीट हो रहा है और ज़्यादा रुक रहा है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स की समस्या हो रही है, तो ध्यान रखिए कि आपके जो फेस पर अगर आप जो ऑयली ऑयल आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके इस फेस पर जो सेबेशियस ग्लैंड होती हैं ऑयल सिक्रीट करने वाली, वो क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में ऑयल सिक्रीट करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर से कोई किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर या किसी भी तरह का ऑयल या किसी भी तरह का हम फेशियल ऑयल यूज़ नहीं कर रहे होते। बाहर से अगर हम कोई चीज़ नहीं देंगे एक्सटर्नली, तो जाहिर सी बात है इंटरनली ज़्यादा सिक्रीशन होगा, इसकी वजह से भी आपको पिंपल की समस्या हो सकती है। तो चलिए मैं आपको एक मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट बता देती हूँ कि आपको क्या यूज़ करना है, क्योंकि आज के लोगों के पास टाइम ज़्यादा रहता नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, जिसकी वजह से वो होममेड चीज़ों को कर पाने में इतने सक्षम नहीं है। तो चलिए मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। ये है वो प्रोडक्ट, हिमालय प्यूरीफाई नीम फेस वॉश। जी हाँ, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बॉटल है हिमालय प्यूरीफाई नीम फेस वॉश। अगर इसके प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात करूँ तो ये 200 ml की आती है, ये सबसे बड़ा पैक है और मैंने इसे यूज़ किया है। पर्सनली मैं इसके बारे में अगर बताऊँ कि अगर मुझे भी, वैसे भी मुझे पिंपल्स की समस्या नहीं होती है क्योंकि मेरा स्किन का टाइप ड्राई है, और इस अगर मेरे चेहरे पे, जैसे मेरे यहाँ पर हो गया था, तो क्या होता है कि जब मुझे इस तरह के छोटे छोटे पिंपल्स या छोटे छोटे दाने या किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर मेरे फेस पे हो जाते हैं, तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसे आपको रेगुलर वे में इस्तेमाल करना है। रेगुलर वे का मतलब है कि आपको इसे फेस वॉश डेली फॉर्म में, जब भी आप मुंह धोने जा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर जब भी आप मुंह धोने जा रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें नीम और इसमें टर्मरिक है, जो आपकी स्किन को क्लीन करती है, आपको प्यूरीफाई करती है आपकी स्किन को, साथ ही साथ आपको हर तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। हाँ, याद रखिए कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन में किस तरह का इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स या एक्ने हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आप अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों को साफ रखिए। बार बार अगर आप बहुत टाइम से बाहर हैं या काम कर रहे हैं या घर पे ही काम कर रहे हैं, तो अपने हाथों को ज़्यादा फेस पर मत लाइए, नाक के आसपास, अपने टी जोन एरिया के आसपास ज़्यादा मत छूइए, इससे भी समस्या हो जाती है या दूसरा इन्फेक्शन इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आपके फेस पर आने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से भी आपको पिंपल्स की समस्या हो जाती है। और दूसरा इसी का प्रोडक्ट है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये है प्यूरीफाई नीम फेस वॉश। ये प्यूरीफाई नीम फेस वॉश के साथ साथ स्क्रब है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पुरानी पैकेजिंग है, नई पैकेजिंग भी इसकी आ गई है, पर अभी मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। तो इसे आपको फेस वॉश जो है वो आपको रेगुलर फॉर्म में यूज़ करना है, लेकिन अगर हम स्क्रब की बात करें तो इसे आपको एक दिन छोड़ के, एक दिन गैप में यूज़ करना है। मतलब अगर आपने इसको, तो आप रेगुलर यूज़ करेंगे, लेकिन इसको आपको एक दिन के गैप में यूज़ करना है। तो इस तरह से आपको इसे यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपको पिंपल्स और एक्ने की समस्या ज़्यादा हो रही है, तो इसी में आता है प्यूरीफाई नीम फेस पैक, उसे हफ्ते में एक बार ही लगाना है। वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो
प्यूरिफाई नीम फेस वॉश, प्यूरिफाई नीम फेस स्क्रब, और अगर पिंपल्स की समस्या अगर आपको ज्यादा है तो प्यूरिफाई नीम फेस पैक आता है मार्केट में, छोटा पाउच भी आता है 2 रुपए का, पहले वो 1 रुपए का आता था, अब 2 रुपए का हो गया है। आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं, इसी ट्यूब फॉर्म में पैक आता है, ये स्क्रब है इसी फॉर्म में पैक आता है, स्क्रब की जगह पैक लिखा होगा, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट आपके कभी भी स्किन में पिंपल्स की समस्या नहीं होने देंगे, क्योंकि इसे मैंने पर्सनली यूज किया है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये था प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको दिखा दिया है कि आपको कैसे यूज करना है, ये भी बता दिया है। और ध्यान रखिए, अपनी स्किन की केयर करते रहिए, अपनी बॉडी की केयर करते रहिए, ताकि आपको ऐसी समस्या ना हो। तो ये जो रिक्वेस्टेड वीडियो है ये मेरे उन्हीं व्यूअर्स के लिए है, और भी जो मेरे अच्छे व्यूअर्स हैं जिनको और ये पिंपल्स की समस्या हो रही है या हो चुकी है, तो आप उनके लिए भी ये वीडियो मैंने कलेक्टिवली बना दिया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रही है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो मेरे वीडियो को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।